यूपी में भीषण गर्मी की वजह से सहारनपुर के लोगों को क्या परेशानी हो रही है, हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है। ये आफत लगातार बरस रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार गर्मी का सितम भी लगातार बदस्तूर जारी है। मैं फिलहाल सहारनपुर के पीर वाली गली में मौजूद हूँ। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो शहर हैं, चाहे वो NCR हो या फिर पश्चिम के कई यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पानी की भारी कमी दिखाई दे रही है। सहारनपुर में भी कई इलाकों में ऐसा दिखाई दे रहा है जहां पर पानी की बहुत भयंकर तरीके से कमी है। मैं इस वक्त पीर वाली गली में मौजूद हूं और यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग लाइन लगा कर यहां पर पानी लेने के लिए आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब एक का नंबर पूरा हो तो दूसरे का नंबर आए और वो भी अपने घर पर यहाँ पर पानी लेके जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सहारनपुर नगर निगम की एक बहुत बड़ी लापरवाही कहें या फिर अधिकारियों की लापरवाही कहें वो यहाँ पर नज़र आ रही है। पानी इस पूरे इलाके में ये एक नल यहाँ पर है जहाँ से लोग पानी लेकर जाते हैं अपने घरों के लिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और नहाने धोने के लिए। सिर्फ एक नल से पूरा इलाका जो है पानी को यहाँ लेकर जा रहा है और इस नलके से ही यहाँ पर लोग काम चला रहे हैं। फिलहाल लाइन दिखा दूँ, तस्वीरें दिखा दूँ आपको, तमाम चाहे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं और लाइन लगाकर अपने घरों के लिए यहाँ पर पानी लेने के लिए आए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह की दिक्कतें आती हैं उन्हें। सहारनपुर में आप कहाँ पर रहती हैं? क्या स्थिति है पानी की? आप पानी सुबह 8 बजे आ गए या फिर चला जा? 8 बजे तक आता है? कितने घंटे पानी आता है? बस सुबह से 8 बजे तक आ रहा, रात को आता होगा सो जा। तो किस तरह की दिक्कतें आप लोग करते हैं? पानी भरे या बस पानी निकालें सुबह उठ के, फिर पानी पानी भर के रख के पानी आई नहीं, बर्फ मंगा वगैरह ठंडा। सुबह सुबह तो खाना बनाना पड़ता है, आप लोग कैसे कैसे करते हैं? बस देखना पड़ता है, पानी भर के रखना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, खाना वाना बच्चों को भी देना पड़ता है। तो ये इस बार ही दिक्कतें आ रही है, हर साल इस तरह की दिक्कतें आती नहीं? आपके ज्यादा है इस बार? ज्यादा है, गर्मी की ज्यादा पड़ रही है सही से? पता नहीं गर्मी की वजह से क्या वजह है, पता नहीं। अच्छा, नल यहाँ पे एक ही नल बता रहे हैं? एक ही नल यहाँ पे। तो महिलाओं का कहना है कि उन्हें बड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम, किस तरह की स्थिति है पानी को लेकर? अभी तो आप देख रहे हैं स्थिति, देखो कहाँ तक लेने लग रही है, 1 घंटे में नंबर आ रहा, बिल्कुल बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। तो पानी की टंकी नहीं आती है? अभी बस 2-2.5 घंटे सारा पानी है, 24 घंटे में क्या हो, 2-2.5 घंटे बार बार नहीं भी करे गर्मी में भाई साहब। नहीं तो अधिकारी आते हैं, अधिकारी के पास आप जाते हैं किस तरह का क्या? अभी बस हमें कह जाए क्या हो जाएगा, होता कुछ है नहीं, इतनी दिक्कत कम है, जितनी दिक्कत अब हो रही है बहुत परेशानी हो रही है। पानी सिर्फ 2-2.5 घंटे अभी, और वहाँ टंकी पे जाते हैं, जो टंकी है वहाँ जो अधिकारी है वो सही ढंग से बात नहीं करते। लाइन जो यहाँ लगी, इस तरह लाइन लगती है? इस तरह लाइन लगती है, कम से कम 8-9 घंटे पानी तो आना चाहिए ऐसे मौसम में, और हम कम से कम 2 महीने से परेशान है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी भी है और लगातार स्मार्ट सिटी के काम भी सहारनपुर में लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं पानी को लेकर इस तरह की समस्याएं अगर होती है तो जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आता है। आप बताइए क्या कहना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पानी की, बारिश भी नहीं हो रही है वैसे भी दिक्कत हो रही है सभी से। ये अपने पार्षद से भी कहा था, उन्होंने कहा कोई नहीं करवाएंगे इस काम को। तो टंकी कितने घंटे आती है, किस तरह आप लोग? टंकी का तो ऐसा मसला हो रहा है, 1 घंटा जाए, आधे घंटा जाए, अन्ना भी आए, बहुत दिक्कत हो रही है पानी की। लेकिन शाम को तो स्मार्ट सिटी में आता है, स्मार्ट सिटी में तो वैसे भी दिक्कतें कम होनी चाहिए। बस क्या कहें इस बात के, इसके बारे में तो कुछ भी ऐसा भी स्मार्ट सिटी वाले काम नहीं हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी हमारा, लेकिन स्मार्ट सिटी वाले काम नहीं हो रहे, सुविधा नहीं मिल रही बिल्कुल भी। सबसे बड़ी दिक्कत पानी की हो रही है, पानी बिल्कुल नहीं है। 2-2.5 घंटे कोई बड़ी बात थोड़ी, 2-2.5 घंटे में आदमी कहाँ तक देर में लगेगा, थोड़ा बहुत पानी भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पानी की बड़ी समस्या सहारनपुर में है, खासकर पीर वाली गली हो या आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वार्ड 65 हो या वार्ड 63 हो, लगातार लोगों को समस्याएं हैं और पानी यहां पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये पूरा इलाका मैं दिखाना चाहूंगा, ये पूरा इलाका जो कि पीर वाली गली के अंतर्गत आता है, तमाम ये लोग हैं जो परेशान हैं, जिन्हें पानी नहीं मिल पाता, और यहां से ये इलाका शुरू होता है आगे तक जो जाता है करीब वार्ड 65 वार्ड 63 से, कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर पानी की भारी कमी है। आप बताइए आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, पानी नहीं आता? पानी तो है ही नहीं यहाँ पर, सुबह आता है 6 बजे और 7:30-8 बजे तक बिल्कुल भाग जाता है, फिर उसके बाद ये दिक्कत होती है बस। तो कैसे मैनेज करते हैं, बच्चों के पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी भर के रखना पड़ रहा है, डब्बों में, किसी ड्रम में, किसी
भर के रखना पड़ रहा पानी को। तो नगर निगम की ओर से कोई टैंकर आता है? कोई टैंकर नहीं आता, एक टैंकर आया तो सिर्फ वो भी इससे 5-6 दिन पहले जब बहुत ज्यादा दिक्कत होगी एक आया, उसके बाद कोई टैंकर नहीं आया है। अच्छा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यूपी में यूपी की यूपी सरकार बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है, कह भी रही है कि कहीं भी पानी की दिक्कत ना हो बिजली की दिक्कत ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो धरातल पे देखा जाए धरातल पे ना तो पानी है और वहाँ उस पानी की वजह से ना होने की वजह से लोगों को दिक्कत करनी पड़ रही है। ये बताइए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार लगातार दावे भी लगातार कर रही है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बहुत परेशानी हो रही पानी की, सारे सारे दिन पानी में लड़ गए रहे हैं, परेशान है लोग बाग। यहाँ तो विधायक भी बीजेपी के हैं, विधायक आते हैं मेयर आते हैं कुछ नहीं आते, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। सरकार तो कह रही है कि सबको पानी मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पानी मिलना चाहिए, अब के तो बहुत परेशानी हो रही, पानी की भी लाइट की भी दोनों चीज की परेशानी है। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें? ये तो बीजेपी की लापरवाही है, बीजेपी की लापरवाही होने के बाद जो है हमने योगी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला तो मैं इसको बंजर बना दूंगा। हाँ ये सुनने में आ रही है मीडिया में भी, सब में से भी सुनने में आ रही, हर चीज से परेशान है इस टाइम। गर्मी कितनी है, हर आदमी को पानी चाहिए, हर आदमी को पानी चाहिए। सरकार ने कहा कि सभी जिलों में पानी मिलना चाहिए तो क्या अधिकारियों की कमी मानते हैं इसमें? अधिकारियों की कमी महसूस हो रही इस तरह से, जब लाइट की भी समस्या है, लाइट तो सही आ रही है ऐसी गर्मी के अंदर, अगर मान लो आधे घंटे के लिए घंटे के पानी की समस्या ये है कि 10 बजे चला जाएगी और फिर शाम को ऐसा होगा 5-6 बजे, तो दिन भर पानी नहीं आता। दिन भर पानी कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मतलब खाना बनाना होता है, दिन में मेहमान आ जाए या वो समस्या होती है? बस जब से ये मालूम महसूस हुआ कि यहाँ पर 10 बजे पानी चला जाएगा तो हम लोग यहाँ भर के रखने में बस पानी का टैंकर आता है, कोई सुविधा नगर निगम की ओर से पानी के टैंकर आते हैं साइड के आते हैं बाहर बाहर, यहाँ अंदर तो आ नहीं सकते, बड़े बड़े रोडों के ऊपर पानी का टैंकर है। लेकिन पानी की समस्या है, समस्या तो है। अच्छा इससे हम ये भी समझ रहे हैं कि भाई गर्मी भी तो देख लो ना कितनी हो रही, हम सही दो सरकार के ऊपर मंडे ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस बार पानी, क्योंकि पारा लगातार कहीं ना कहीं सहारनपुर की बात की, सहारनपुर में स्टार्टिंग जो है पारे की 42 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक जो टेम्परेचर है वो 46 के आसपास तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सहारनपुर पानी की कमी दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर धरातल पर इस चीज़ का आपने नमूना भी देख लिया, लोग चाहते हैं कि नगर निगम के अधिकारी इस पर ध्यान दें और यहाँ पर उनके पास तक पानी की व्यवस्था की जाए। सहारनपुर से विनीत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया।